हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस गार्लिक बटर नान की रेसिपी। इसे मैं बिना तंदूर, बिना अवन, बिना ईस्ट के तवे पर बनाऊंगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस गार्लिक बटर नान को आप पनीर की किसी भी रेसिपी के साथ, दाल मखनी या फिर छोलों के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं इस गार्लिक बटर नान को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप भर कर मैदा। तो यहाँ पर वजन में ये 125 ग्राम के लगभग है, क्योंकि हम गार्लिक बटर नान बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गार्लिक और बटर। तो यहाँ पर मैंने ये गार्लिक लिया है 2 टीस्पून। तो 7-8 बड़ी लहसुन की कलियों को मैंने यहाँ पर छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर बटर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1/2 कप दही ली है। तो दही मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर में रखी हुई ली है और मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 चम्मच ऑयल। इन सभी के अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून पाउडर शुगर या पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी के अलावा मैंने यहाँ पर लिया है कटा हुआ हरा धनिया 2 बड़े चम्मच और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है कलौंजी या अनियन सीड्स या फिर प्याज के बीज। यहाँ पर सबसे पहले मैं गार्लिक बटर नान के लिए डो रेडी करूंगी। तो इसके लिए मैदे को मैंने यहाँ पर 1 प्लेट में डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का ये टीस्पून ले रही हूँ और इसी से मेजर करके चारों चीजों को मैं यहाँ पर डाल दूंगी। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरीके का खाने वाला कोई भी चम्मच ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पाउडर शुगर या पिसी हुई चीनी। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर ये चारों चीजें इस डो को फर्मेंट करने का काम करेंगी। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ग्रेटेड गार्लिक या लहसुन। आप चाहो तो यहाँ पर लहसुन को फाइनली चॉप्ड करके भी डाल सकते हो। इन सभी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो यहाँ पर इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे दही ऐड कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पर इसका एक सॉफ्ट और स्मूथ डो रेडी करना है। तो सारे दही डालने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं ये गुनगुना पानी ले रही हूँ। गुनगुना पानी डालने से हमारा जो ये डो है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ईस्ट नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से नीट करते हुए चिकना और स्मूथ कर लूंगी। तो यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट का समय लगा है इस डो को अच्छे से नीट करते हुए। तो यहाँ पर मैं आपको इस डो की इलास्टिसिटी दिखाती हूँ। इस तरीके का हमारा ये डो लचीला होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इस डो को रेस्ट करने दूंगी। तो इस डो को फर्मेंट होने के लिए मैं यहाँ पर इसे इस तरीके के एक गीले कपड़े से चारों तरफ से ढक दूंगी और इसे रेस्ट करने दूंगी कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 2 घंटे का समय हो चुका है। तो कपड़ा निकाल कर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लूंगी और एक बार इसको अच्छे से नीट कर लूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ये डो पहले से थोड़ा सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है रेस्ट करने के कारण और अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इस डो के पेड़े बना लूंगी। तो इस डो को मैं थोड़ा इस तरीके से लंबा कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इसे चाकू की हेल्प से इक्वल साइज में कट कर लूंगी। ऐसा करने से हमारे सभी गार्लिक बटर नान एक ही साइज और शेप के बनेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसके गोल गोल पेड़े बनाकर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं ये मीडियम साइज के पेड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 6 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं।
तो अब मैं यहाँ पर इन पेड़ों को बेल लूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर चकले में थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है ताकि इन्हें बेलने में आसानी रहे। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें बेल लूंगी। तो आप चाहो तो इन्हें थोड़ा गोल बेल सकते हो या फिर थोड़ा लंबाई में या ओवल शेप में बेल सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा लंबाई में बेल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे न ज्यादा मोटा और न ज्यादा पतला बेला है। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर लगा रही हूँ ग्रेट किया हुआ लहसुन। तो इसे मैं यहाँ पर थोड़ा फैला दूंगी। तो इसके ऊपर डाल दूंगी कलौंजी या अनियन सीड्स। इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से हमारा ये गार्लिक बटर नान देखने में भी बहुत ही यम्मी लगता है। तो अब मैं यहाँ पर इसको एक बार बेलन से इस तरीके से बेल लूंगी ताकि ये सभी चीजें अच्छे से इसमें चिपक जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये गार्लिक बटर नान यहाँ पर लग रहा है। तो इसको अब मैं दूसरी साइड पलट लूंगी और इस साइड लगाएंगे हम पानी। तो यहाँ पर आप इसे हाथ से भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से ब्रश से मैं यहाँ पर चारों तरफ से अच्छे से पानी को लगा लूंगी। तो ये स्टेप करना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा पेड़ा भी बेल लूंगी। तो मैदा मैंने डस्ट कर लिया है, इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा लंबाई में बेल लूंगी इस तरीके से। तो इसके ऊपर डालूंगी यहाँ पर ग्रेट किया हुआ लहसुन चारों तरफ से अच्छे से, साथ ही डाल देंगे कलौंजी और कटा हुआ हरा धनिया। बेलन से एक बार इसको अच्छे से प्रेस करते हुए बेल लेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ पर दूसरी साइड पलट लूंगी और दूसरी साइड लगाऊंगी यहाँ पर पानी। तो यहाँ पर ये स्टेप करना इसीलिए जरूरी है ताकि जब हम इसे तवे से आग पर सेकें तो ये आसानी से तवे पर चिपका रहे और गिरे ना। तो यहाँ पर मैंने दो गार्लिक बटर नान बेल कर तैयार कर लिए हैं। गैस पर मैंने तवा रखा है, तो ये नॉर्मल तवा है। तो तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो जिस साइड हमने पानी लगाया था उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा ये गार्लिक बटर नान सिक रहा है इसमें से बबल्स बनने शुरू हो रहे हैं और ये सब लो के अच्छे से फर्मेंट होने के कारण ही हुआ है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नॉनस्टिक का तवा यूज नहीं करना है, नॉर्मल तवा ही यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से एक साइड से सिक चुका है। अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई कर लूंगी और इस तरीके से तवे को चारों तरफ से घुमाते हुए इसे सेक लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। तो आप यहां पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा ये गार्लिक बटर नान यहां पर सिका है। तो अब मैं यहां पर इसके ऊपर लगा रही हूँ बटर। तो बटर आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ही लगाएं। आप चाहो तो यहां पर इसे तवे से उतारने के बाद भी बटर लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी लगा रही हूँ। तो यहां पर मैं इसे आपको पास से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी हमारा ये गार्लिक बटर नान यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा भी डाल दूंगी। तो ध्यान रहे पानी वाला जो साइड है उसे नीचे की साइड ही रखना है। इस नान में भी बहुत ही अच्छे से बबल्स आए हैं और ये नीचे से अच्छे से सिक चुका है। तो तवे को मैं यहाँ पर इस तरीके से आग के ऊपर रख लूंगी। गैस का फ्लेम हमें यहाँ भी हाई रखना है और चारों तरफ से इसे अच्छे से इस तरीके से सेकना है घुमाते हुए। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छे से सिक चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर लगा दूंगी बटर। तो बटर आप थोड़ा यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में ही लगाएं, बहुत अच्छा बटर से टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये दूसरा गार्लिक बटर नान भी तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सभी गार्लिक बटर नान तैयार कर लूंगी। यहाँ पर मैंने सभी गार्लिक बटर नान बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ पनीर लबाबदार के साथ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी हमारे यहाँ पर ये गार्लिक बटर नान बनकर तैयार हुए हैं।
तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना इजी है इन गार्लिक बटर नान को बनाना। एक बार अगर आप इस तरीके से ये गार्लिक बटर नान घर पर बना लोगे तो आपको इनका टेस्ट ढाबे या रेस्टोरेंट वाले गार्लिक बटर नान से काफी अच्छा लगेगा और ये मार्केट के मुकाबले काफी हाइजीनिक होने के साथ ही सस्ते भी पड़ते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।